इन बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी वोटर जहाज चला रही है, तो कितना बड़ा जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा रहे हैं। राधा कृष्णा दुडमनी साहब जो एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं और इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, तो हम सबको चाहिए कि इसका जवाब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए दें, कि हमको ये फासिस्ट ताकत को शिकस्त देना बहुत जरूरी है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंटी इंतखाबात चल रहे हैं, ऑलरेडी तीन मराहल के जो थ्री फेसेस में जो पार्लियामेंटी इंतखाबात हुए हैं उनकी पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस दौरान बड़े ही अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि मुल्क के वज़ीर आज़म श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो पूरे मुल्क में संविधान पर दस्तूर पर हाथ रखकर ओत लिए थे कि हम सब तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलेंगे और किसी के साथ मजहबी तासुबियत नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने मुसलमानों को लेकर के जो बयानात जारी किए हैं, ख़ास करके कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको उन्होंने मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से ताबीर किया, और आगे चलकर इतने पर बात नहीं रुकी, उन्होंने आगे चलकर यहाँ तक कहा कि कर्नाटक की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक की, वो ओबीसी में मुसलमानों को शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन की है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी के जो हकूक़ हैं उनका रिजर्वेशन है उसको छीन करके ये मुसलमानों को ये देने की बात कर रही है, जिसकी मैं सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं डिमांड करता हूं कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ न्यू दिल्ली उनसे ख़ास कर ये कहना चाहता हूं कि वो क्यों खामोश है, अभी तक वो क्यों खामोश है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को चाहिए था कि सबसे पहले वो आगे आती, आगे आ करके एक्शन लेती और इलेक्शन कमीशन से डिमांड करती और वहाँ के जो दिल्ली जो राजस्थान पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराना चाहिए था। उसी के साथ में कर्नाटक के जो माइनॉरिटी कमीशन है जिसको काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया है, वहाँ पर भी उस कर्नाटक का स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने भी कुछ उस पर अपनी जो बयान नहीं दिया, उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो चाहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज नरेंद्र मोदी जी को समन कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैं इन दोनों से भी, खासकर इलेक्शन कमीशन नेशनल कमीटीशन फॉर माइनॉरिटीज से डिमांड करता हूं कि इन हालात में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एक अपना जो सेकुलरिज्म जो संविधान पर जो देश चलता है उसको आप उस पर हम यकीन रखते हैं, उसका संविधान पर चलने का आप सबूत दें। साथ ही साथ दो दिन पहले नरेंद्र मोदी ने आगे चलकर फिर ये भी कहा कि मुसलमान सऊदी अरब से दुबई से बड़ी तादाद में फ्लाइट के ज़रिए हिंदुस्तान आ रहे हैं, ख़ासकर वोटिंग के लिए, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वोटर जहाज चला रही है, तो कितना बड़ा ये जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा रहे हैं ये सोचने की बात है कि किस हद तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिर चुके हैं, अखलाक के दायरे से बाहर होकर के ये बयानात शाया कर रहे हैं। इन बयानात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसी वजह से ख़ासकर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर कर ये पूरे हिंदू जो हैं उनको यूनाइट कर कर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो मैं तमाम जो सेकुलर जहन रखने वाले जो हमारे बरादरन वतन हैं, हिंदू भाई हैं, और दस्तूर पर यकीन रखने वाले जो हमारे अफराद हैं,
जो जमातें हैं और ख़ासकर जो तमाम हमारे अखिलतों के जो जिम्मेदारान हैं और मुसलमान हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो आगे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पोलिंग परसेंटेज है, जो अभी भी 4-5 जो मराहल बाकी हैं, उसमें वोटिंग करें। और हम तो इनके बयान की सख्ती के साथ मजम्मत कर ही रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि इसका जवाब हम तो एहतजाज के ज़रिए और कई एक जो वसूख हैं उसके ज़रिए हम नहीं दे सक रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि अब अच्छा मौका है, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी जी का खुलकर आप उसका वोट डाल कर जवाब दें और ज़्यादा से ज़्यादा 90-80% पोलिंग करने की आप कोशिश करें। साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर भी पोलिंग है और ख़ासकर कर्नाटक में और गुलबर्गा में भी, मैं तमाम हमारे जो दस्तूर पर यकीन रखने वाले हैं और जो संविधान पर विश्वास करने वाले हैं, हमारे जो ब्रादर वतन हैं, उनसे और अखिलतों से, ख़ासकर हमारे मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूं कि गुलबर्गा में आप यहां पर श्रीमान राधा कृष्णा जी जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, एक अच्छे कैंडिडेट हैं और खुश अखलाक हैं, मिलनसार हैं और काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, मैं अपील करता हूं कि इनके हक़ में आप 7 तारीख को सुबह की अवलिन सातों में आप वोट करें और बीजेपी को एक करारी शिकस्त यहां गुलबर्गे से दे करके पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम रवाना करें। हल्का लोकसभा गुलबर्गा के इंतखाबात में अनकरीब 7 तारीख को राय दही होने जा रही है। मैं इस मौके पर गुलबर्गे की अवाम, खासकर हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार बहुत सोच समझ कर अच्छे तरीके से आप जो है ना जमहूरियत को बचाने के लिए एक सेकुलर पार्टी, या जिसे मैं कांग्रेस पार्टी कहूँगा आज के हालात में यहाँ पर गुलबर्गा में, उसके कैंडिडेट जनाब राधा कृष्णा दोडमनी साहब जो एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं, एक बासलाहियत एजुकेशनिस्ट हैं और उन्होंने कई सालों से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ एक अपना सामाजिक काम करते हुए एक तजुर्बा रखते हैं, उनके हक़ में रायदेही करना बहुत मुनासिब है। आज मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप सुबह 7 बजे अवलिन वक्त में तमाम लोगों के, आपके घर के अतराफ के लोगों के और तमाम महल्ले के लोगों के वोट दलाने के लिए तमाम लोग, सामाजिक कारकुन, कारपोरेटर्स और तमाम बाशऊर लोग जो है ना, आपकी बात खुलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के जो अजायम हैं हम तमाम लोगों के सामने आ चुके हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद को मुनदिम कर दिया, 3 तलाक के मामले में बिल पास किया है, हलाल कट के ऊपर हमारे खिलाफ बिल पास किया है और जो है ना लव जिहाद के नाम पे हमको बदनाम कर रहे हैं, हिजाब के नाम पे मुसलमान कौम को सताया जा रहा है और जो है ना कर्नाटका गवर्नमेंट ने 4% 2B रिजर्वेशन के तहत जो हमारे मरासिल मिलते थे उसको भी कट कर दिया है। तो इस मौके पे हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमको ये फासिस्ट ताकत को शिकस्त देना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर एक बार तमाम अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि इस बार आप बढ़ चढ़ कर 70-80% तक वोटिंग करके जनाब राधा कृष्णा साहब के हक में उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बना। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.